नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया इम्पोर्टेंट वीडियो, एक्सपीरियंस लेटर के लिए ईमेल कैसे लिखें। दोस्तों आइए चलिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वरुण मिश्रा नाम का एक एम्प्लॉई है जो कि EFG प्राइवेट लिमिटेड में कार्य करता है और उसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव की। अभी हाल में ही वरुण मिश्रा ने कंपनी में रेजिग्नेशन दिया है और वो एक बेहतर कंपनी ज्वाइन करना चाहता है। दोस्तों इस केस में वरुण मिश्रा को अपने एक्सपीरियंस लेटर की जरूरत पड़ेगी, तो वो अपनी प्रीवियस कंपनी यानी EFG प्राइवेट लिमिटेड को किस तरीके से ईमेल लिखेगा एक्सपीरियंस लेटर के लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरा वीडियो और सीखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं कि एक्सपीरियंस लेटर हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहला पॉइंट है ऑथेंटिकेशन। दोस्तों आप दूसरी कंपनी में चाहे जितना भी अच्छा इंटरव्यू देके आए हो, HR आपसे कितना भी इंप्रेस हुआ हो, लेकिन वो कंपनी आपसे आपके एक्सपीरियंस लेटर की मांग करेगी। अगर आप अपना एक्सपीरियंस लेटर नहीं शो कर पाते तो दोस्तों चांसेस बहुत हैं कि वो कंपनी आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर सकती है। 95% केसेस में ऐसा हो भी जाता है। तो दोस्तों आपका एक्सपीरियंस लेटर आपको ऑथेंटिकेट करता है, मतलब प्रमाणित करता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है, आप सच्चे हैं, आप एक रिलायबल कैंडिडेट हैं। सेकेंड वन इज बेटर सैलरी पैकेज। दोस्तों अगर आपके पास में आपका एक्सपीरियंस लेटर है तो ये मदद करता है कि आप सैलरी निगोशिएशन बेहतर तरीके से कर पाएं और हायर सैलरी पैकेज भी हासिल कर पाएं। थर्ड वन इज बेटर जॉब रोल एंड जॉब प्रोफाइल। दोस्तों अगर आपके पास में आपका एक्सपीरियंस लेटर है तो ये आपको मदद करेगा कि आप बेहतर जॉब प्रोफाइल के साथ साथ बेहतर जॉब रोल भी हासिल कर पाएं, क्योंकि ये आपको पूरी तरीके से ऑथेंटिकेट करता है और दूसरी कंपनी आपकी बात सुनती भी है और आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट भी करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अगर आपके पास में आपका एक्सपीरियंस लेटर रिटन में है तो ये आपको मदद करता है एक छोटी कंपनी से उठ के एक बड़ी कंपनी ज्वाइन करने में। दोस्तों एक्सपीरियंस लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉर्पोरेट में कहावत है, इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इट इज नॉट डन। अगर ये लिखित में नहीं है तो ये सच नहीं है, ये पूरा नहीं है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों फाइनली देखते हैं और सीखते हैं कि वरुण मिश्रा अपने एक्सपीरियंस लेटर के लिए ईमेल कैसे लिखेंगे। यहाँ पे कंपनी का नाम दिया हुआ है EFG प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के HR का ईमेल आईडी दिया हुआ है HR@EFG.com। इसके साथ साथ वरुण मिश्रा के सेल्स डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट हेड की भी ईमेल आईडी दी हुई है dev@EFG.com। दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि वरुण मिश्रा को मेल लिखते समय में 2 में तो HR को रखना है, लेकिन CC में उसको अपने डिपार्टमेंट हेड को रखना है, सो दैट कि वो सबको बराबर सूचित कर पाए कि उसको अपना एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। दोस्तों फाइनली देखते हैं ईमेल लिखना कैसे है। 2 में यहां मेंशन किया गया है HR का ईमेल आईडी HR@EFG.com। सब्जेक्ट में लिखा गया है रिक्वेस्ट फॉर इश्यूएंस ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसका मतलब है प्रार्थना की जा रही है कि मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, हर ईमेल में सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप सब्जेक्ट बहुत क्लियरली नहीं लिखते हैं तो पहली चीज तो ये बड़ा अनप्रोफेशनल सा लगता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बिना सब्जेक्ट का ईमेल स्पैम फोल्डर में भी जा सकता है। स्पैम फोल्डर में जाने का मतलब है कि रिसीवर को आपका ईमेल इनबॉक्स में नहीं स्पैम फोल्डर में प्राप्त होगा। तो दोस्तों कई बार लोग अपना स्पैम फोल्डर चेक नहीं करते हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल मिस हो सकता है। तो दोस्तों ये गलती मत करें, सब्जेक्ट बहुत क्लियरली मेंशन करें। सीसी में मेंशन किया गया है सेल्स डिपार्टमेंट हेड का ईमेल आईडी dev@EFG.com। दोस्तों फाइनली देखते हैं कि वरुण मिश्रा ने ईमेल किस तरीके से लिखा है, वो सैंपल ईमेल क्या है। 2 में उन्होंने HR को रखा है HR@EFG.com। CC में उन्होंने अपने सेल्स डिपार्टमेंट हेड को रखा है dev@EFG.com। सब्जेक्ट में उन्होंने लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर इश्यूएंस ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब मेरा इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करिए, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। उन्होंने सब्जेक्ट मैटर में क्या लिखा हुआ है, देखिए डियर मैम उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि HR जो है वो एक फीमेल है, अगर HR मेल होती तो वरुण डियर सर लिखते। दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई हैड सर्व्ड EFG प्राइवेट लिमिटेड एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम अगस्त 2018 टिल सितंबर 2019 इन सेल्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे वरुण मिश्रा कह रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने EFG प्राइवेट लिमिटेड में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम किया है अगस्त 2018 से लेके सितंबर 2019 तक सेल्स डिपार्टमेंट में। इट वॉज अ ट्रिमेंडस जर्नी एंड आई लर्नड अ लॉट वर्किंग इन योर स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक शानदार जर्नी थी, अद्भुत जर्नी थी, और मैंने अपनी इस जर्नी के दौरान आपकी प्रतिष्ठित कंपनी में बहुत कुछ सीखा।
आई रियली अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटीज द कंपनी प्रोवाइडेड मी फॉर माई प्रोफेशनल ग्रोथ एंड इट एडेड ग्रेट वैल्यू टू माई प्रोफाइल. मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कंपनी की कि जो कंपनी ने मुझे अवसर प्रदान किए मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए. इसके अलावा इस चीज़ ने मेरी अपनी प्रोफाइल में भी वैल्यू ऐड की. आई एम राइटिंग दिस मेल टू रिक्वेस्ट यू टू इशू माई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. यहाँ पे वरुण मिश्रा कह रहे हैं मैं आपको ईमेल इसलिए लेकर आऊँ क्योंकि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करें, मुझे दें. आई वुड बी मच ओब्लाइज्ड इफ़ यू कंसिडर इशूइंग मी माई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. मैं आपका आभारी रहूँगा अगर आप मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मुझे इशू करते हैं. दिस वुड हेल्प मी इमेंसली इन माई फ्यूचर करियर प्रॉस्पेक्ट. मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मुझे मेरे फ्यूचर करियर प्रॉस्पेक्ट्स में बहुत मदद करेगा. थैंक्स एंड रिगार्ड्स वरुण मिश्रा. नीचे उन्होंने अपना नंबर ड्रॉप किया है. तो इस तरीके से वरुण मिश्रा ने अपना ईमेल किया है और इसी तरीके से आप अपने एक्सपीरियंस लेटर के लिए ईमेल कर सकते हैं. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा. दोस्तों मैं अपने वीडियो में कभी भी शुरुआत में मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की बात नहीं कहता क्योंकि मेरा बिलीव है कि मैं पहले आपको कॉन्टेंट दिखाऊं, पहले आपकी हेल्प करूं, उसके बाद में आपसे बात करूं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं. अगर आपको इसका कॉन्टेंट अच्छा लगा तो आप इसको लोगों से शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई चैनल. गॉड ब्लेस यू ऑल. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.